हेलो गाइस, तो आज अपन बात कर रहे हैं फाइनली एसईपीसी के बारे में, डायरेक्टर्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल कोर्स एसईपीसी गुजरात। क्या ये क्या होता है, इसके बारे में तो कभी सुना ही नहीं। जी हाँ, तो आप चुकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुज एसईपीसी का मतलब होता है कि गुजरात की जो भी स्टेट की इंजीनियरिंग कॉलेज, एमटेक, एमबीए जितने भी सारी कॉलेजेस होती है उनका जो ऊपर का जो प्रोफेशनल जो एग्जाम होता है जिसके थ्रू काउंसलिंग होती है उसे बोलते हैं एसईपीसी गुजरात। जैसे जैसे आईआईटी की जो होती है वो जोसा करता है, जैसे सीयूसीटी की जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो है सीयूसीटी करती है, राजस्थान की रीप करती है, वैसे ही गुजरात की जो है वो एसईपीसी करती है। तो जान लेते हैं आज कुछ इसके अपडेट, बहुत अच्छे अच्छे अपडेट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश के जितने भी स्टेट है सारे स्टेट्स की अवेलेबिलिटी जो भी है कॉलेजों की जानकारी इस चैनल पर अवेलेबल है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियोज, ओके। सो देख लेते हैं इसके अंदर इसने कुछ अपडेट डाला है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो फार्मेसी एडमिशन स्टार्ट लास्ट डेट जो है 22/8/2021, ओके 22 को लास्ट डेट है। और जो इंजीनियरिंग है उसकी जो है लगभग सीयूसीटी के 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और एम आर्किटेक्टर की जो लास्ट डेट है वो 26 है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एम टेक की लास्ट डेट है वो 28 है, ओके। तो अब जान लेते हैं कि इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है। तो इसके अंदर भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे ही जोसा के अंदर होता है, रीप के अंदर होता है, सीयूसीटी के अंदर होता है, सीयूसीटी में नहीं होता, उसमें सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है। तो जैसे ही आप उसके अंदर अप्लाई करोगे या तो आप जेई मेन दोगे, जेई मेन दिया है आपने, अगर आपने गुज एसईपीसी का एग्जाम होता है उनका खुद का एंट्रेंस अगर आपने वो दिया है, या फिर आपके 12th के मार्क्स कंसिडर नहीं करते, ये जेई मेन और गुज एसईपीसी दो ही एग्जाम लेते हैं। अगर आपने गुज एसईपीसी का नहीं दिया है तो आपके जेई मेन के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म की कुछ फीस होती है, जैसे लाइक 250 रुपये थी पिछले साल मैंने जब फॉर्म फिल किया था। तो इसके अंदर आपको जो है काउंसलिंग होती है, आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते हैं, फिर राउंड चलते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 7 तक चलते हैं, फिर इसके अंदर जो है सीटें फिल होती है। तो देख लेते हैं इसका क्या प्रोसेस है। तो जैसे हम यहाँ पर गए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही यहाँ पे जो है इसका जो अवेलेबिलिटी है वो ई काउंसलिंग पोर्टल जो है nic.in पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एसईपीसी गुजरात कॉमन रजिस्ट्रेशन 2021, तो आपको यहाँ पर जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया, फिर से आपको देखो कुछ सूचना ही दिखाई दे रही है यहाँ पे कि अप्लाई फॉर एमबीए कोर्सेज के लिए 350 रुपये फीस है, अप्लाई फॉर एमसीए कोर्सेज के लिए भी 350 रुपये है, अप्लाई फॉर एमबीए एंड एमसीए बोथ कोर्सेज के लिए भी 500 रुपये है, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर एग्री करना है, एग्री करने के बाद जो भी है आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करनी है, लेकिन मुझे जो है मुझे अपना बीई का फॉर्म फिल करना है, ठीक है, बीटेक का। तो मैं फिर से जाऊंगा, ये रहा, इस पे जैसे मैंने क्लिक किया, ओके गाइस, तो आपको जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, ओके। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उसे देख के आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप एमबीए वगैरह कोर्सेज कर रहे हैं तो गुजरात आपके लिए बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है। यहाँ पे जो बिजनेसमैन लोग हैं, यहाँ का जो एनवायरमेंटल है बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और वहाँ पे जो है जस्ट लाइक गुजरात से है, जस्ट आप मोदी जी से मिल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अंबानी जी से आप मिल सकते हैं, ठीक है, अंबानी फैमिली से आप, आपका बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वहाँ पे, ठीक है। और भी बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वहाँ पे, धुलेरा जो है आप वहाँ पे धुलेरा से मिल सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे गांधीनगर है, अहमदाबाद है, क्या गुजरात, क्या लोकेलिटी, क्या सिटीज, क्या गुजरात है, वाओ वेरी नाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड विद गुजरात, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कोई एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वारी हो तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप ये चीज़ें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो हमारी काउंसलिंग की फीस बहुत ही कम है, ओनली फॉर 2 डेरी मिल्क्स आर प्राइजेस फॉर माय काउंसलिंग, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।